100 साल पहले जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है और उसे भूल पाना किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है और ना ही इतिहास के इतने महत्वपूर्ण एक चैप्टर को भारतीयों को भूलना चाहिए। इस मसले पर हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं, नवदीप सूरी, जो भारत के राजदूत हैं यूएई में, कूटनीतिज्ञ हैं। और नवदीप के दादाजी वो मशहूर नॉवेलिस्ट रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं पंजाब में, लेकिन ख़ास बात ये थी कि वो खुद नानक सिंह जी जलियांवाला बाग में उस काले दिन मौजूद थे। वहाँ पर उनके दो अपने नज़दीकी दोस्तों की जान चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने भावनाओं को शब्दों में बयान किया, खूनी बैसाखी लिख डाली। खूनी बैसाखी को कई साल बाद पंजाबी में जिस तरीके से उसे पहले ढूंढा गया, पब्लिश किया गया और अब नवदीप सूरी ने उसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है, इस किताब को जारी किया जा रहा है। अम्बेसडर सूरी, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि अपने आप में आपके लिए कितना इमोशनल जर्नी था और कितना मुश्किल जर्नी था अपने दादाजी के पंजाबी के लिखे हुए इतने पावरफुल पोएम्स को, जिसे उस ज़माने में ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, उस पूरे सफ़र को आज यहाँ तक ला कर खड़े करना? देखिए, मुश्किल भी था और आज के दिन एक सेटिस्फैक्शन भी है कि एक जो अपने आप के लिए जिम्मेवारी रखी थी कि जो हमारे दादाजी के जो अल्फाज थे एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचें, अभी तक तो ये सीमित थे और अगर अंग्रेज़ की मर्ज़ी चलती तो शायद ये कविता कभी सुनी ना जाती, क्योंकि उन्होंने तो 1920 में ही इसको बैन कर दिया था। आई थिंक जिसकी तस्वीर भी किताब में है 1920 की। जी, जब पहली बार ये छपी थी तो ये 1920 की उसकी तस्वीर है, ये कवर था उसका 1920 में, और जल्द ही ये बैन हो गई थी और हमारी अपनी फैमिली ने इसको अगले 60 बरस के लिए नहीं देखा था। तो बड़ी वो अलग एक कहानी है कि किस तरह से 60 साल के बाद मेरे पिताजी ने किताब को हासिल किया और उसमें उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी जो भारत के होम मिनिस्टर थे उनकी भी मदद ली गई। तो बहुत ही मेरे हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण कहानी है, ये कविता ही नहीं है लेकिन एक तारीख का पन्ना भी है, और मैं चाहता हूँ कि इस ट्रांसलेशन के ज़रिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके ग्रैंडफादर बहुत मशहूर साहित्यकार रहे हैं पंजाब के लिए और ख़ास करके पार्टीशन पर उन्होंने 3 कम से कम जो हैं नॉवेल्स लिखे हैं। अगर आप जलियांवाला बाग की करते हैं, आपकी वो बचपन की यादें क्या हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी दादाजी की ज़िंदगी पर और आपके पिताजी की ज़िंदगी पर जलियांवाला बाग के पूरे एपिसोड ने असर डाला एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल? देखिए, एक तो मेरा अपना जन्म जलियांवाला बाग से मुश्किल से 100 मीटर दूर हमारा छोटा सा घर था, गली में, गली पंजाब सिंह में, अमृतसर में, तो हमारा जन्म वहाँ हुआ और वहीं पहले 8-9 बरस गुजारे। तो जब भी कोई आता था तो अपने मदर के साथ, फादर के साथ हरमंदिर साहब तो जाते ही थे, रास्ते में जलियांवाला बाग भी रुकते थे, कोई अगर मासी आए हैं, कोई मामा आए हैं तो उनको जाकर लेकर जाना साथ में। और जो मुझे याद है कि किस तरह से एक प्रभाव पड़ता था, जो कुआं है जलियांवाला बाग में जिसमें कई लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी, तो जब भी मैं उसके भीतर झांकता था तो लगता था कि इसमें मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ पीड़ित आवाज़ें जो पुकार रही हैं कि बचाओ। और कहते हैं कि उस समय वो इतना भयानक एक दृश्य था कि पानी लाल हो गया था उस कुएं का। तो ये तो हमारी उस नेबरहुड में है जहाँ हम बड़े हुए, पैदा हुए, और जो इसका असर हमारी फैमिली पर रहा कि इस एपिसोड के बाद नानक सिंह जी, मेरे दादाजी, एक नेशनलिस्ट बन गए और जिस तरह से उन्होंने एक पैट्रियोटिक सेंटिमेंट इस कविता के ज़रिए नरेट किया, जिस तरह वो भारत माता को इन्वोक करते हैं, अपने लोगों को ललकारते हैं कि ये आपकी शहीदों की सैक्रिफाइस है, इसको कभी भूलिए मत। मई 1920 में लिख रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है, आज तक वहाँ पर जलियांवाला बाग में यादगार नहीं बनी उनकी जिन्होंने अपनी शहादत दी वहाँ। और अगर आप एक्चुअल देखें तो 1951 में जाकर वहाँ यादगार बनी, 32 साल के बाद। सो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर लिविंग थ्रू। पर क्या आपको लगता है कि आप शायद 12 साल के थे जब आपके दादाजी का निधन हुआ,
आपके दादाजी कभी खुद से आपको जलियांवाला लेकर नहीं गए, उसके पीछे क्या कोई खास वजह थी या उनका अपने किताब को खूनी वैशाखी को ढूंढने की क्या उन्होंने कभी कोशिश की नहीं की जब वो गुम हो गया, क्या वो जानबूझकर उस एपिसोड को थोड़ा पीछे रखना चाह रहे थे, कुछ ऐसा एहसास करने हुआ? मुझे यही लगता है कि हमने हमेशा जलियांवाला बाग के किस्से की बातें अपनी दादी जी से सुनी और उन्हीं ने दादाजी के ज़बान से सारा किस्सा सुना और आगे हमें बताया, अपने बच्चों को बताया। दादाजी खुद शायद उनके ऊपर ट्रॉमा इतना था उस हादसे का कि उन्होंने उसके बाद कभी किसी को ज़िक्र नहीं किया। खूनी वैसाखी लिखी, बैन हो गई, गायब हो गई, उनके निधन तक 1971 में उन्होंने खुद नहीं देखी। और एक हमें रेफरेंस मिलता है उनकी, जो एक स्वजीवनी है मेरी दुनिया, उसमें एक रेफरेंस मिलता है कि मैंने एक ये लिखी थी खूनी वैसाखी जलियांवाले बाग के बाद। इसके अलावा वो खुद इस विषय पे ना हमसे बात करते थे ना किसी और से करते थे, लेकिन ये अहमियत है कि ये एक इतिहास का पन्ना शायद खो जाता, मतलब शायद वो इतना वो सदमा अपने आप में इतना था कि किसी के लिए भी जो है बार बार उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं हो पाता। आज जबकि हम देखते हैं कि जिस तरह की राजनीति दुनिया भर में चल रही है, कहीं इतिहास को तोड़ने की कोशिशें की जाती है, कहीं इतिहास को झुठलाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने से ही इनकार कर देती हैं सरकारें, कितना ज़रूरी है तमाम पीढ़ियों के लिए इस तरह की इतिहास से जुड़े रहना, इसको समझ पाना? देखिए, राजनीति में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतिहास की बात ज़रूर करूँगा कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग का हादसा हुआ, उससे चार दिन पहले रामनवमी थी और जिस तरह अमृतसर में मनाई जा रही थी और जिस तरह से दादाजी ने लिखा कि किस तरह वो हिंदू मुस्लिम सिख के बीच एक दोस्ती का दृश्य है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। सारे सिख हिंदू अते मुसलमाना रल मिल ए पुरब मनाया सी, मुसलमाना ने अज इतफाक वाला ए अदुत्ती सबूत विखाया सी, भावें पुरब सी असल विच हिंदुआ दा ए पर मोमना खूब सजाया सी, उस दिन दी की मैं गल दसा अजब समा करतार लियाया सी, डॉक्टर किचलू ते सत्यापाल साहब जिन्ना अज दा वक्त दिखाया जी, गले दोहां दे फुलां दे हार पाके सारे शहर नू दर्शन कराया जी, हर एक हिंदू मुसलमान ताई दिलों जानदा माई दा जाया जी, कदी एदां दा प्रेम ना किसे डिठा जगत जदों दा रब बनाया जी, ए तां नवा ही प्रेम दा बीज एथे किसे अर्श तो आण के लाया जी, दूरी सब दे दिलां तो दूर होई वीर वीर ताई नज़र आया जी, पानी एक गिलास दे विच पीता खाना एक थां सब ने खाया जी, सारी उम्र दे विछड़े वीरना नू अज आप करतार मिलाया जी, उस दिन हर जगह ते मुसलमाना दुद दियाँ छबीलां चा खोलियां जी, नाल हिंदुआ सब ने होए शामिल पाइया फुलां दियाँ पर चोलियां जी, कीती हिंदुआ दी दिल खोल सेवा थाऊं थाई बनाए के टोलियां जी, मानो कृष्ण ने अज प्रसन्न होके वृंदावन विच खेडियां होलियां जी। मतलब हिंदू मुस्लिम और सिखों की जो यूनिटी वाली बात वो 1919 में वो कर रहे थे जलियांवाला बाग के पहले जो है जिस तरीके से, तो आज की परिदृश्य में ये बहुत अहम हो जाता है ये पूरा का पूरा मैसेज और इस इतिहास को समझना। देखिए, धर्मों के बीच मैत्रता होनी तो आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए सही है ये जो मैसेज है उनका। This is something that we should preserve. अभी जो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है कि UK की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से कभी जलियांवाला बाग के लिए माफ़ी नहीं मांगी गई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थ्रीसा मे ने बस अभी हाल ही में बयान भी दिया, उसमें रिग्रेट जाहिर किया, डीप रिग्रेट की बात की, लेकिन माफ़ी नहीं मांगना, माफ़ी मांगने से क्या आपको लगता है कि एक क्लोजर मिल सकता है, एक तरह से कथारसिस हो सकता है? या अंग्रेज़ी भाषा में काफ़ी लंबी चौड़ी शब्दावली है रिग्रेट कहना, शेमफुल कहना और अल्फाज इस्तेमाल करने, लेकिन सॉरी का इस्तेमाल या अपोलोजी का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, अंग्रेज़ों के लिए भी ये एक अहम मुद्दा है और उनको खुद भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि एक
उन्हीं के इतिहास का भी ये चैप्टर था, केवल इंडिया के इतिहास का नहीं था, वो भी अपने को एक बड़ी सिविलाइजेशन मानते हैं। और उनके हाथों इस तरह का कत्लेआम जो हुआ, अगर उसके लिए वो सॉरी कह भी दें तो कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे। तो ये जैसे पंजाब के गवर्नर ने हाल में एक चिट्ठी लिखी है ब्रिटिश हाई कमीशन को और कहा कि जो क्वीन के सेलिब्रेशंस के लिए आप लोगों ने एक रिसेप्शन में हमें इनवाइट किया है, मैं उस रिसेप्शन में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कभी माफ़ी नहीं मांगी गई। कुछ और आवाज़ें उठ रही हैं आम लोगों से भी जो इस तरह से बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। आप एक कूटनीतिक गए, आपको लगता है कि इस तरह से एक कूटनीतिक अगर विरोध दर्ज किया जाता है तो एक वो संदेशा जा सकता है ब्रिटेन को? देखिए, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि आवाज़ें तो बहुत सारी उठ रही हैं, हर एक लेवल पर उठ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन आवाज़ों के साथ साथ जो हम लंदन की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकना चाहिए और हमें ये भी सोचना समझना चाहिए कि हम खुद कितना कुछ याद रखते हैं, अपने उन शहीदों का बलिदान, उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें दी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। तो एक मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत ही अहम एक हिस्सा है इस वार्तालाप का, विच वी शुड कीप इन माइंड, कि हम जो कहते हैं लेस्ट वी फॉरगेट, कि कभी ये ना हो कि हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को भूल जाएं। और इस कविता में जो एक शुरुआत है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ दूँ उसको, वो नानक सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी को संबोधित कर रहे हैं कि गुरु जी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये किस्सा सुना सकूं। ओ फादर माइन विद द टर्बन प्लूम्ड, आई बाउ एट द फीट माई डिवाइन गुरु, मेसाया ऑफ द मीक, सेवियर ऑफ द पुअर, माई डिवाइन गुरु। Burdened with sin, this boat of ours is listing midstream, my divine guru. Save it from going down in waters rough, guide it ashore, my divine guru. Grant me thy cup of love and blessings, and let my pen fly across the pages to tell this tale, my divine guru, of innocent souls laying down their lives for our nation's sake, my divine guru. And those with wounds still bleeding and raw were showered with salt, my divine guru. To pen a portrait of those departed ones, grant me the strength, my divine guru, to remind my people across India, lest we forget their sacrifice, my divine guru. To write the saga of our heroes such, your disciple is ready, my divine guru. Do help me complete this mission of mine, नानक सिंह बिसीचेस, ओ माय डिवाइन गुरु। बहुत ही जो है खूबसूरत शब्द हैं जो मुझे लगता है किसी एक वक्त के लिए नहीं है, किसी एक साल के लिए नहीं है, बल्कि साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी ज़रूरी है कि इतिहास के इन पन्नों को हम पलटते रहें और इनकी यादों को हम ना केवल संजो के रखें बल्कि उनसे हम समझें कि आखिर क्या कुछ हुआ था एक काले दौर में, ताकि उस तरह के दौर को दोबारा से किसी भी पीढ़ी को देखना ना हो, उन्हें रूबरू ना होना पड़े वैसी ही कड़वी सच्चाइयों से। नवदीप सूरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए TV9 भारतवर्ष पर। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल कुमार के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली।